शिव जी, अब आप विवाह के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। पिताश्री, दिव्यता से ओतप्रोत पिताश्री का ये रूप तो अनुपम है। अद्भुत है आपका ये मनोहारी रूप नाथ। शक्ति और सौंदर्य से परिपूर्ण माता पार्वती के दर्शन अत्यंत सुखमय हैं। आइए, आप दोनों अपना स्थान ग्रहण कीजिए। विवाह की मांगलिक विधियां आरंभ करने से पूर्व मंगल मूर्ति प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा करनी होगी। नमस्ते गणपते, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। महादेव, महादेव, देवी पार्वती, पार्वती, कल्याण हो आप दोनों के इस रूप का। जो भी दर्शन करेगा उसका वैवाहिक जीवन सदा मंगलमय और सुखमय होगा। आप सबका मंगल हो। पटाम्बर परिधानां नानालंकार भूषितां सिंहस्थितां परमहस्तां कात्यायन सुते नमोस्तुते परमां वदमयी देवी परब्रह्म परमात्मा। स्वामी, मेरी प्रतीक्षा सार्थक हुई जो आपके इस मनोरम रूप के पुनः दर्शन हुए। उमा, सर्वप्रथम मैंने ये रूप तुम्हारे लिए धारण किया था और तुम्हारे लिए अपना रूप मैं बारंबार धारण करूंगा। ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम युवासुवासा कन्यादान करने के लिए अपना स्थान ग्रहण करें ऋषि कात्यायन। कन्यादान का संकल्प कीजिए। ओम नमः शिवाय।
महादेव, आप अपने कुल, वेद, प्रवर, शाखा और गोत्र के बारे में बताएं। ऋषिवर, ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं आप पिताश्री से? कितने यत्नों के पश्चात तो मां से विवाह के लिए तैयार हुए हैं। यदि उनका क्रोध पुनः जागृत हो गया तो उन्हें शांत कराना अत्यंत कठिन हो जाएगा। पुत्र कार्तिकेय, ऋषि कात्यायन उमा के पिता हैं और प्रश्न पूछना उनका अधिकार है। पुत्र गणेश, इनके प्रश्नों का उत्तर दे दो। जी पिताश्री। ऋषिवर, जो अजन्मे हैं, आदि अनंत हैं, सृष्टि के कण कण में जो विद्यमान हैं, जिनसे सभी जीव जीवन पाते हैं और प्रलय काल में जिनमें सभी लीन हो जाते हैं, उनका कोई गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, शाखा कहाँ हो सकते हैं? जो वेदों के सार हैं, वो कैसे कोई एक वेद से बन सकते हैं? महादेव का तो कोई रूप ही नहीं है, वो तो प्रकृति से परे निर्गुण परम ब्रह्म परमात्मा है, निराकार निर्विकार मायाधीश एवं परात्पर है। इसलिए वो गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र और कुल वाले हैं। महाशक्ति जगत जननी के तप के कारण जो आज आपके जा माता बन रहे हैं, वे स्वयं कई कुलों के आदि हैं। किंतु ऋषिवर, अभी भी आप उनका गोत्र जानना ही चाहते हैं, तो सुनिए। सगुण महादेव का गोत्र और नाद इनका कुल है। नाद शिवमय है और शिव नादमय। इन दोनों में कोई भेद नहीं। क्षमा करें प्रभु, किंतु संकल्प हेतु पूछना अनिवार्य था और इसका लाभ भी हुआ। प्रथम पूज्य मंगल मूर्ति श्री गणेश जी के मुख से आपकी महिमा का गुणगान सुनने का अवसर जो मुझे प्राप्त हुआ। प्रभु, मेरी पुत्री का पाणि ग्रहण कीजिए और इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करें। ये तो मेरा अहोभाग्य है ऋषिवर। साधु 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 साधु। पिताश्री, पिताश्री, आपको कन्यादान का सुख भी अवश्य प्राप्त होगा। आपने अपना वचन निभाया जगत जननी, ये आप ही की लीला है। मैं धन्य हुआ मां, मैं धन्य हुआ। मैं आपकी पुत्री बनी, ये तो मेरा भी अहो भाग्य है ऋषिवर। हरि ओम अब आप इनका गठबंधन कीजिए। अब फेरों के लिए आप दोनों खड़े हो जाएं। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम प्रथमे प्रथमः, प्रथमे द्वितीयः, प्रथमे तृतीयः, प्रथमे चतुर्थः स्वाहा। सुख दुखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते, यत्तत्त्वविहितम् यास्यामि अवानुभूतहरिदम्
आस्ति नास्ति संतुष्टा द्वितीय साधुहितम् रुद्र भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी भविष्यामि पदेच्चैव द्वितीय साब्रवीतम् आर्ते आर्ता भविष्योमि सुख दुःखा विभागिनी तवाज्ञा पालयन्या हरेषु भवामि त्वसाचिनी धर्मार्थः कार्येषु कन्या सप्तपदे ब्रवे अब सिंदूर दान का समय हो गया है महादेव। अंततः हमारा पुनर्विवाह हो गया स्वामी। हाँ उमा, हम दोनों की प्रतीक्षा अब समाप्त हुई। आपको पुनः पति रूप में पाकर मैं धन्य हो गई नाथ। धन्य तो तुमने मुझे किया उमा, मेरे अपूर्ण जीवन को पूर्ण करके। आप संतुष्ट नहीं है तो स्वयं क्यों नहीं कर लेते? अरे मुंह तम तलाओ, हाथ तलाओ हाथ। नंदी जी ने यहाँ तो दर्द पूरा तो पाए, इतने दिले आदत का पालन करो। लत तान डालो, लत तुरो 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 लूटो, तान डालो, मेरे आदत का पालन करो। द्वार रक्षा का दायित्व है हमारा, आपके आदेशों को सुनने का नहीं। इस अंतराल में यदि महादेव और माता पार्वती द्वार पर आ गए तो उनका स्वागत कौन करेगा? तुम मेरा ऊंचा देख ले, अपना ताल दे दो, इन दोनों तो मैं दे दूंगा। प्रभु माता तो तन देते लाते ही होंगे, उत्ते पुलवे ही मुझे तिदल ते लात तो उत्ते अनुलूप तदाना होता। कौन हो तुम लोग? यहाँ आने का ताज दे दिया। हाँ
तुमने? इन्होंने कहा नहीं, पूछा कि तुम दुष्टों ने यहाँ आने का साहस कैसे किया? जानते हो किसका निवास है ये? ए, निवास किसी का भी हो, किंतु इस समय तुम मोर गणों के सिवाय मुझे कोई और नहीं दिखाई दे रहा। मूल दंगे तुम हो, महादेव का निवास है ये। मेरे पिता सर्वशक्तिमान दंभासुर से दृष्टता भरा संवाद करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? सब कुछ कुशलता से संपन्न हो गया पुत्र गणेश। ये आनंददायी उत्सव तो तुम्ही ने प्रस्तुत किया है, उसके लिए तुम्हें शत शत धन्यवाद। अब कैलाश लौटने का समय आ गया है माँ, कैलाश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है माँ। मैं भी कैलाश लौटने के लिए अत्यंत व्याकुल हूँ। हाँ माँ, आपके लौटने से कैलाश की शोभा पुनः लौट आएगी। इतना मूर्खों, अब ये दंभासुर का निवास है, दंभासुर का, इतना दंभ देवताओं का, इन तुच्छ गणों के ऊपर यहाँ की सुरक्षा छोड़ दक्षिण की ओर चले गए और मुझे दंभ भी बुलाते हैं। अब उनका दंभ चूर करेगा दंभासुर, 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 दंभासुर। आज से कैलाश मेरा हुआ। व्यक्ति का दंभ उसके पतन के आरंभ का कारण बनता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।